ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 27। टॉपिक का नाम है मैं और मातेश्वरी, बी के ब्रिजमोहन भाई जी, दिल्ली। मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। माँ के संपूर्णता दिवस को पुनित स्मृति के इन दिनों में तो उनके लाड़ प्यार और ज्ञान शिक्षाओं को सारी यादें विशेष तौर पर मन में ताज़ा हो उठती है और उनके साथ बिताई हुई घड़ियों के दृश्य हृदय के पट पर उभर कर एक फिल्म की तरह चलने लगते हैं। इस अवसर पर यही उचित होगा कि मैं उन स्मृतियों का आनंद आपके साथ मिलकर उठाऊं। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1955 में हुई थी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते मुझे कुछ महीने ही हुए थे। सभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री जी और मातेश्वरी जी, जिन्हें हम स्नेह से बाबा और मम्मा कहकर पुकारते हैं, उनसे मिले आबू पर्वत पर स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में गया था। प्रथम मिलन के समय हॉल में सामने एक सनली पर पिताश्री जी और दूसरी पर मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नैनों से असीम स्नेह बरस रहा था। बच्ची पूरे कल्प के बाद जो आकर मिले थे। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने न तो कुछ कहा था और न ही कुछ बाह्य संकेत किया था। वह तो बस बैठी हुई मुस्कुराए जा रही थी, परंतु उनकी उस मुस्कुराहट में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया है। आप सोचते होंगे कि ऐसी भी कौन सी अनोखी उलझन हो सकती है जिसको मैंने अब तक अपने पास ही रख छोड़ा है। वह बात दरअसल यह थी कि चाहे क्लास में, चेम्बर में, उन दिनों बाबा और मम्मा
क्लास के बाद बच्चों के साथ ज्ञान की चिटचैट करने दूसरे कमरे में जाकर बैठा करते थे, जिसको चेम्बर कहते थे। टोली भी वहीं पर मिला करती थी, या जहां कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होते तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूं और किसकी दृष्टि से वंचित रहूं। एक और ज्ञान सूर्य का तेज और प्रकाश होता तो दूसरी ओर ज्ञान चंद्र माँ की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका यही हल निकाल लिया और दोनों से बारी बारी से दृष्टि लेता रहता। यों तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्यभार संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से भी वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर ही माता की भासना आती थी। वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता तथा अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को उनसे मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बुलाते हुए देखा ही था, परंतु इसका एक और अनोखा अनुभव होना अभी बाकी था। गुरुवार के दिन मधुबन स्वर्गाश्रम से ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी, जिनका नाम रोचा था। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ और मम्मा का उसके साथ अलौकिक बच्ची के ईश्वरीय ज्ञान योग बल द्वारा बदले हुए संबंध से व्यवहार करना तो बस देखते ही बनता था। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे रोमांच खड़े हो गए थे। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। किस प्रकार संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य के बदले जाने से मनुष्यात्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं। इस सत्यता की छाप मुझ पर उसी घड़ी लग गई थी। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरा भी सारा ही लौकिक परिवार ज्ञान मार्ग में चल पड़ा था, परंतु उसी क्षण के अनुभव से लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तित करने में मुझे बड़ी मदद मिली थी। मम्मा का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण था कि ईश्वरीय ज्ञान योग की शक्ति से मनुष्य में कितना पलटा आ जाता है और दिव्य गुणों की धारणा करने से सहज ही उसका जीवन कितना श्रेष्ठ और हीरे तुल्य बन जाता है। भविष्य के 21 जन्मों अर्थात सतयुग त्रेता की पावन श्रेष्ठाचारी नई दैवी सृष्टि में 2500 वर्षों के लिए जीवन मुक्त देवी देवता पद की प्राप्ति की बात किसी नए जिज्ञासु की समझ में अभी न भी बैठी हो, परंतु
प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? मम्मा के बोलचाल और हरेक कर्म से चहकती हुई दिव्यता को देखकर उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जिस ज्ञान से ऐसा मम्मा जैसा ऊंचा जीवन बनता हो वह अवश्य ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त होगा। उसके तर्क बहस समाप्त हो जाते और वह ज्ञान द्वारा अपने वर्तमान जीवन को मम्मा जैसा दिव्य बनाने के लिए सोचने लगता। इस तरह मम्मा का प्रभावशाली व्यक्तित्व अनेक आत्माओं की इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग की ओर आकर्षित करने के निमित्त बना। इस मार्ग पर चलने वाली अनेका अनेक आत्माओं को भी अपने पुरुषार्थ को अधिक तीव्र करके मम्मा जैसे सर्वगुण मूर्त बनने की प्रेरणा हर बार उससे मिलने पर प्राप्त होती थी। पिताश्री के लिए तो फिर भी कोई सोच सकता था कि शिव बाबा का साकार रथ होने के हेतु शायद उन्हें कोई असाधारण ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं, परंतु मम्मा के जीवन को तो निसंकोच और स्पष्ट शब्दों में ईश्वरीय ज्ञान योग की चमत्कारी शक्ति का एक अद्वितीय नमूना कहा जा सकता है। मम्मा दिव्य गुणों से संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह मजबूत, बोल मीठे सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा के दृढ़ संकल्प एवं सहन शक्ति का एक मिसाल ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन ने सुनाया था, जो कुछ समय तक मम्मा की ब्राह्मणी रही थी। एक बार मम्मा को बहुत सख्त शारीरिक व्याधि थी, पर क्लास का समय हो रहा था। मम्मा अपनी व्याधि की परवाह न करते हुए क्लास में गई और उन्होंने नित्य प्रति की तरह ज्ञान मुरली सुनाई। मोहिनी बहन यह देखकर चकित रह गई कि मम्मा के चेहरे पर उस व्याधि की पीड़ा की रेखा तक दिखाई न देती थी और क्लास को उनकी उस व्याधि के बारे में पता तक न पड़ा था। इतनी गजब की सहन शक्ति मम्मा में थी। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी को जांच रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा ब्रिज मोहन जी कहकर ही बुलाया। पत्र में वह सदा
लाडले ब्रिजमोहन जी लिखती। पत्र में या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हाल चाल अवश्य पूछती। उस अलौकिक माता का बच्चों से कितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे कि मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही हो। आशा है कि मेरी लौकिक माता मेरे भाव को समझते हुए ऐसा लिखने के लिए मुझे क्षमा करेगी। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को तुरंत धारणा में ले आती थी और अपना विचार सागर मंथन करके अपने अनुभव के आधार पर उस ईश्वरीय ज्ञान को बहुत सहज बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान के एक गुह्य रहस्य का इतना विस्तृत स्पष्टीकरण करती थी कि कोई अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि वाली आत्मा भी उसे झट समझ जावे। शुरू शुरू की बात है कि एक दिन मैंने मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा, हमारे ज्ञान की तो सभी बातें नई नई है, लोग यह सब कैसे मानेंगे। मम्मा ने प्रश्न के रूप में ही उत्तर दिया कि आप कैसे माने हो, जैसे आपने समझा और माना है वैसे ही अन्य लोग भी मान लेंगे। हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नेम अर्थात नियम नहीं की उक्ति के अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता हो, तो वह हमें बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुह्य गति के बारे में सावधान कर देती। एक बार जब मम्मा अंबाला छावनी के सेवा केंद्र पर पधारी थी, तो मैं नंगल जहाँ मैं सर्विस करता हूँ से उन्हें मिलने के लिए गया और वही उनसे नंगल चलने का अनुरोध करने लगा। मम्मा कह रही थी कि कुछ दिनों बाद का प्रोग्राम बनाओ, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण जहाँ मैंने उनसे दोबारा अनुरोध किया कि मम्मा आप कल ही चलो ना, तो फिर मम्मा ने कहा कि मैं तो चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अंबाला में मिलने आएंगी और निराश होंगी, उसका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैंने समझा कि वह कुछ दिन बाद नंगल चलने को इसलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वह थोड़े दिनों के लिए नंगल पधारी थी। इससे स्पष्ट होता है कि मम्मा लवफुल और लॉफुल की दोनों योग्यताओं को इकट्ठा प्रयोग किस कुशलता से करती थी। वह प्रेम के लिए नेम और नेम के लिए प्रेम की तिलांजलि नहीं देती थी। साकार में मम्मा ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री जी का साथ अंत तक दिया ही, पर मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पधरावणी संदेशी के तन में हुई,
तो आप जानते हैं कि उन्होंने पहले पहले क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से यही कहा कि अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री जी का पूरा हाथ बटाना है। पिताश्री जी वृद्ध हैं, उन पर मम्मा के रुकने से अधिक बोझ न पड़े। कितनी पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। उस घटना को तो मैं कभी ही भूल ही नहीं सकता, जो मम्मा के संपूर्ण होने से थोड़ा ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन प्रातः मैं क्लास के बाद नक्की झील का चक्कर लगाने निकल गया। सारा चक्कर लगाकर, जिसमें कुछ हिस्सा मैंने दौड़ भी लगाई थी, लौटते हुए जब मैं आश्रम के समीप पहुंचा ही था तो क्या देखता हूँ कि मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकल झील की ओर जा रही है। मम्मा को देखते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना बहन के बताने पर कि मम्मा थोड़ी पैदल पर जा रही है, मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पहुंच गए जहां से अनादरा पॉइंट को रास्ता जाता है। मम्मा ने कहा कि चलो आज अनादरा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फूला नहीं समा रहा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं ब्रिजमोहन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, पर सतयुग में तो यह सब याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुराती रही। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से मेरे रोमांच खड़े रहे और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज इतनी दूर नहीं आती है। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मेरे साथ फोटो निकलवाया, जो आज भी मेरे कमरे में लगी हुई है। पर तब मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद माँ हमसे विदाई लेने वाली थी और इस कल्प की हमारी यह अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है कि मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसीलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाया जा रहा था। अच्छा, ओम शांति।